हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंडी शेड्स बाय हिमांशी में। तो दोस्तों, आज फिर से एक ट्रैवल वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं इस समय। तो हरिद्वार जाने का मेन रीज़न तो ये है कि जीजा जी को देखने जा रहे हैं, क्योंकि भांजी की शादी के समय वो ICU में थे, तो वहाँ पर हम लोग देखने नहीं जा पाए थे। और यहाँ पर रुककर बच्चे चले गए हैं मैकडी में बर्गर लेने के लिए, और मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ इस समय। और इन लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया था आने में, तो मैं भी इधर ही आ गई। गाड़ी में अकेले बैठे भी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अंदर चलती हूँ मैं भी। तो ये लीजिए, दीदी का घर भी आ चुका है। हम लोग आ चुके हैं दीदी के घर, इस समय 5 बजे हुए हैं। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। तो हम लोग माँ सुरेश्वरी देवी के मंदिर जा रहे हैं, जो कि सिद्ध पीठ है। और ये मंदिर राजा जी नेशनल पार्क के घने जंगलों में बना हुआ है। तो शाम के समय यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इस वजह से शाम के समय एंट्री बंद हो जाती है। और सर्दी और गर्मी में अलग अलग टाइमिंग होती है। इस समय शाम का समय 3 से 5 दर्शन का है। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं राजा जी टाइगर रिजर्व तक। और यहाँ से पहले पर्ची बनेगी और प्रसाद भी बाहर ही मिल जाता है। तो माता के मंदिर में जाने का रास्ता आप दाईं तरफ एक गेट देख रहे हैं, उधर से है। और जो लोग राजा जी नेशनल पार्क में घूमने के लिए आते हैं, वो उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था है। साइड में देखा होगा आपने, अभी दिखाती हूँ, जीप खड़ी हुई है। तो गाड़ी अभी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पर, प्रसाद ले लेते हैं और पर्ची बनवा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पीछे दिखा रही हूँ मैं, जीप खड़ी हुई है। तो दोस्तों, प्रसाद हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं माँ सुरेश्वरी देवी के मंदिर। और ये रास्ता देखिए जंगल में होकर जाता है, तो पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर शाम के समय तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है, दिन में भी कभी कभी हाथी दिखाई दे जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये मंदिर जिस पर्वत पर बना हुआ है उसका नाम सूरकूट पर्वत है, और काफ़ी ऊंचाई पर है ये। कहते हैं सच्चे मन से कोई भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आता है तो वो माँ पूर्ण करती हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में ही माँ सुरेश्वरी देवी की भी गिनती होती है। तो लीजिए, सामने मंदिर का मेन गेट है और हम लोग आ चुके हैं। टाइगर का पंजा दिखा दिया है इसने वीडियो में। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा ना, और भी जानवर बोलूंगा कि ख्याल से थोड़ी सी। कितने सुंदर फूल खिले हैं ना, बोगनविलिया। अरे हाँ, यहाँ पे रुद्राक्ष मिल जाएंगे क्या? गिरे हुए जो मिल जाते हैं,
माला नहीं बोल रही हूँ, नहीं पहले तो पड़े थे बरसात के टाइम मिल जाते थे, दो चार ही मिल जाए बस। अच्छा बिल्कुल खाली पड़ा है आज तो। नारियल तोड़ने का क्या स्थान, रुद्राक्ष का पेड़ तो ये रहा, पके हुए एक भी नहीं होंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर जाते ही सूर्येश्वर महादेव के दर्शन हमें होते हैं। और ये है सिद्धपीठ माँ सुरेश्वरी देवी। और इसी मंदिर के साथ साथ दाईं तरफ मंदिर के रास्ता जाता है माँ काली मंदिर का, और ये मंदिर और भी ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पर है। और माँ के दर्शन करने के लिए एक बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन वो वीडियो मैंने अपने पुराने चैनल पर शेयर की थी और वो चैनल मुझे किसी वजह से बंद करना पड़ा, तो मैंने सोचा चलिए इस पर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए फिर से आ गए हैं हम माँ काली के मंदिर, एक बार पहले भी मैंने आपको दर्शन कराए थे। जय माँ काली। और यहाँ पर बीच बीच में कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं चढ़ाई के साथ साथ, तो काफ़ी ऊपर तक हम आ चुके हैं इस समय। और यहाँ ऊपर की तरफ से देखते हैं तो माँ सुरेश्वरी देवी का मंदिर काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊपर आने के बाद अब दिख रहा है काली माँ का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर दाईं तरफ, ग्रीन कलर की शेड दिख रही होगी आपको भी शायद, तो बस वही है माँ का मंदिर। और हम द्वार तक पहुँच ही चुके हैं जो मेन द्वार है। तो यही है माँ काली का मंदिर, और मंदिर अभी बंद है, बाहर से ही हम लोग सब दर्शन कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरा ऐसा पास के लोग बहुत क्लियर दिख रहे हैं, दूर का धुंधला है। ये देखिए दोस्तों, पीछे जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं वहीं पर अभी हम दर्शन करके आए हैं माँ काली के, तो काफी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर भी। क्यों
लेपर्ड छुप के आना शेर ये सब ये सबसे शिकार करते हैं बट सबसे अच्छा होता है लेपर्ड और उसमें भी सबसे अच्छा था स्नो लेपर्ड वो तो दिखता ही नहीं है मुझे स्नो लेपर्ड नहीं बहुत ज्यादा और हमें विश्वास हमें उम्मीद भी नहीं हम देखने भी नहीं गए थे वहां डिस्कवरी नट जो वाला अच्छा है लेपर्ड तो मैंने देखा है लेकिन नॉर्मल से अच्छा है वो वाला लेपर्ड तो नहीं था अभी इस टाइम नहीं आएगा फिर किंग को ऐसे गंदे में शायद हो सकता है पेड़ पौधे छूना और तोड़ना सख्त मना है वैसे भी इतनी देर से मोर भी बोल रहे हैं ना चीता होगा चीता चलान घुस के मत बोल पकड़े बहुत गए ये देखो नागफनी के है ना ये कितने बड़े बड़े है ना कैक्टस के पेड़ सांप का ये सांप जैसा लग रहा लेकिन जगह बहुत सुंदर है यहाँ से ये कितना दूर पड़ता होगा ना कितना गर्मी में तो बहुत ऐसा लग रहा है बस आ गए पहले तो बहुत यहाँ से ऊंची चढ़ाई थी हर कोई नहीं जाता था ऊपर हाँ यहाँ से दिखाई दे रहा है देखो कठिन रास्ता लगता है चढ़ाई करना हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे जाते हुए तो बाद में बन गया वरना ये था रास्ता तो ये ऐसे ऊपर चढ़ के अभी कितनी चढ़ाई है हाँ अभी बनने की वजह से इतना पता नहीं चलता और यहाँ पर रुद्राक्ष के काफी पेड़ लगाए हुए हैं और उनके पत्ते बड़े सुंदर हैं ग्रीन के साथ साथ रेड कलर भी उसमें है ऐसा लग रहा है इधर से भी दरवाजा हो ये पेड़ कितना सुंदर है ये भी उसी तरह का है देखो और माँ काली के दर्शन करके ये सामने रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से हम वापस अंदर आ गए हैं माँ सुरेश्वरी देवी के मंदिर में क्योंकि बाहर जाने का रास्ता इसी मंदिर से है नहीं बाहर निकलने वालों के लिए तो खुला होगा एंट्री तो बंद अच्छा यही है केयर टेकर उसकी भी जीप की सफारी के लिए ये क्यों थी केयर टेकर जो खोलती है गेट केयर टेकर जीप सफारी की केयर टेकर अच्छा वो बन गया थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं लोग तो भी छह बजे तक कुछ उनसे कब तक होता है बंद कर दिया कुछ उनसे कब तक राजा जी समाधान हो गया तो खुला रहता है वैसे तो दोस्तों अभी हम घर नहीं जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करने के बाद सिद्धपीठ माँ दक्षिणकाली मंदिर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए उसको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी आपके साथ जय माता दी दोस्तों